मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिला पंचायती राज विभाग जनपद के सभी 1294 गांव में पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगा रहा है, जिसके माध्यम से लोगों को कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक किया जा सकेगा तथा गांव के विकास कार्यों की भी जानकारी गाँव वासियों को दी जा सकेगी। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के लग जाने से गाँव में भीड़ भाड़ की समस्या का समाधान हो सकेगा और लोगों को कोई भी जानकारी पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से दी जा सकेगी, जिसके संबंध में जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि मुख्यमंत्री और पंचायती राज विभाग के डायरेक्टर के निर्देश पर ग्राम पंचायतों में पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत विकास भवन से की गई है और जल्द ही सभी गाँव में पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगा दिया जाएगा, जिससे लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के साथ गाँव के विकास कार्यों सहित अन्य जानकारियां भी दी जा सकेंगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया, जैसे कि आपको पता है मुख्यमंत्री जी ने बात की थी सभी प्रधानों से कुछ दिन पहले, उनका स्पष्ट निर्देश था कि हर गांव में पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया जाए, जहां तक हो लोग आपस में एक दूसरे से मतलब इकट्ठा ना हो, जो भी कोई इंपॉर्टेंट मैसेज देना है, कुछ भी देना है, कोरोना से रिलेटेड हो, इंसेफ्लाइटिस से रिलेटेड हो, या अभी गांव में बैठक से संबंधित सूचना देना हो, किसी भी तरह की सूचना देना हो, जहां तक संभव है पब्लिक एड्रेस सिस्टम का यूज करके उसे दिया जाए। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का शासन से ACS सर का और डायरेक्टर मैडम का भी यही निर्देश है कि जहाँ तक हो उससे दिया जाए। इसी के तहत हम लोगों ने सभी ग्राम पंचायतों को ये निर्देश दिए हैं और ये हम लोग सबको प्रेरित कर रहे हैं कि हर गाँव में पब्लिक एड्रेस सिस्टम अवश्य लगवा लें और ऐसे स्थान पर वो पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगे जो कि किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके या जो मार्केट प्लेस में कोई सार्वजनिक स्थल हो, चाहे वो पंचायत भवन हो या फिर कोई मार्केट प्लेस हो, जहाँ पर कि एक जगह हमने मैसेज स्प्रेड किया तो कम से कम 400-500 लोगों तक ये मैसेज पहुँच जाए, तो ऐसी जगहों पे हम लोग एक एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम में भी शुरुआत के लिए हर ग्राम पंचायत में लगा रहे हैं। बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जो अगर बड़ी ग्राम पंचायतें होंगी तो वहाँ हो सकता है एक से अधिक भी लगाया जाए। सर, क्या पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से विकास कार्यों की जानकारी भी ग्राम प्रधान दे सकेंगे या लोग कुछ समस्या भी अपना बता सकते हैं? बिल्कुल, अगर पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम से कोई भी ग्राम पंचायतों में विकास कार्य अगर हो रहा है, क्या चीज़ हो रहा है, किसी कोई रोड बना रहे हैं या कोई सीसी रोड हो रहा है, कोई खटंजा हो रहा है, कोई नाली हो रहा है, तो इसकी सूचना वो दे सकते हैं। हम इस कार्य योजना में हमने इससे इसको लिया है, अब ये कार्य शुरू कराया जा रहा है, ताकि सभी लोगों को जानकारी हो जाए। अगर किसी को कोई इसके बारे में जानकारी लेनी हो, कोई शिकायत हो, कोई समस्या हो, तो वो आकर के प्रधान से या सचिव से बात करके उसको समाधान कर सकता है। तो कोई भी कार्य जो भी जन भावना से जन लोगों के भलाई के लिए किया जाए, उसको जितने से ज़्यादा तक लोगों में स्प्रेड किया जाए, क्योंकि गांव में कई बार शिकायत होती है कि खुली बैठक हो गई, चुपचाप हो गई, ग्राम प्रधान ने अपने लोगों को बैठा लिया, सबको पता नहीं चला, तो इस पब्लिक एड्रेस सिस्टम से अगर कोई भी बैठक हो गई, कोई भी कार्य होगा, तो सबको पता चल जाएगा, तो जिसकी भी जो भी समस्या रहेगी उसको दूर किया जा सकता है। तो कब तक उम्मीद है कि ये लग जाएंगे? देखिए, कल से ही निर्देश दिया गया, हम लोगों ने सबसे पहले शुरुआत विकास भवन से करी है, विकास भवन में हमने पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगवा दिया है। अब ग्राम पंचायतें जो कि ग्राम पंचायतों को स्वयं अपने इससे लगाना है, जो ग्राम निधि खाता वन में जो राज्य वित्त और केंद्रीय वित्त की धनराशि जाती है, हमने सभी ग्राम सभाओं को निर्देश भी दिया, प्रेरित किया है। मुझे लगता है आज से लगना शुरू हो जाएगा, आज कम से कम 30-40 ग्राम पंचायतों में इसके लगने की संभावना है और अगले 10 से 15 दिन में हमें लगता है ज़्यादातर ग्राम पंचायतों में लग जाएगा।